हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है पंप। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि फायर फाइटिंग में जैसी और चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, हमारी फायर फाइटिंग क्लॉथिंग और रेस्क्यू और जितने भी सारे उसके इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसी की तरह एक पंप भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इम्पॉर्टेंट है पंप्स भी, क्योंकि पंप ही तो मेन चीज़ है, मेन सोर्स है जिससे हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, तो पंप बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जो लिक्विड को ट्रांसफ़र एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी के साथ, प्रेशर के साथ ट्रांसफर्ड करती है। ठीक है, तो पंप ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इसके लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोलिक मशीन्स रहती हैं। ठीक है, जिनके पास मैकेनिकल एनर्जी रहती है, हाइड्रोलिक एनर्जी रहती है, जिन्हें बोला जाता है पंप्स। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी उसके पास रहती है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया था हाइड्रोलिक एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी को वो प्रेशर एनर्जी में शो करता है। तो जैसे कि सारी चीज़ें जैसे कि इम्पॉर्टेंट रहती है, इसमें प्रेशर एक्सटिंग्यूशर भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जब हम वाटर टाइप सॉलिड टाइप फायर अगर एक्सटिंग्यूश कर रहे हैं तो हमें उसके लिए वाटर चाहिए। तो हम वाटर अगर नॉर्मल वाटर अगर यूज़ करेंगे, हॉस पाइप हमने कनेक्ट कर दिया, नॉर्मल वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उसमें प्रेशर आएगा हॉस पाइप जितना? नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम पंप्स का यूज़ करते हैं। तो पंप भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक है, क्योंकि पंप के विदाउट पंप हम वाटर को ठीक से यूज़ में नहीं ले सकते हैं फायर एक्सटिंग्यूशिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए। ठीक है, तो पंप भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि अब हम पंप के बारे में बात कर रहे हैं, तो पंप भी अब ऐसा तो नहीं है एक ही पंप होता है, तो पंप के भी क्लासिफिकेशंस रहते हैं। पंप यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे ना, और कहीं भी जाएंगे, आप मॉल्स में ही चले जाइए, कहीं भी जो उसका फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन रहता है ना, वहाँ पे पंप रूम भी रहते हैं। ठीक है, पंप रूम में क्या रहता है, सभी उसका सपोर्टिंग पंप, स्टैंड बाय पंप, जोकी पंप, सारे पंप। पहले उसका मेन पंप रहता है, फिर उसका स्टैंड बाय रहता है, फिर जोकी पंप भी लगा रहता है। ठीक है, इस तरीके से पंप हाउस रहता है, जिसे बोला जाता है पंप हाउस। ठीक है, पंप हाउस में क्या पंप्स फिट रहते हैं, जो कि क्या आपका जो फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम है उसके लिए यूज़ किया जाता है उसको, पंप हाउस को। ठीक है, और बाकी जैसे कि हाइड्रेंट पॉइंट है, वहाँ से आप अगर कनेक्ट कर रहे हैं ना हॉस पाइप वगैरह, तो उनमें भी वो प्रेशर कंटेन आपको करके देगा। तो पंप हाउस जो है वो इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फायर फाइटिंग के लिए जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है हमें, हमारे वर्क प्लेस पे एरिया में कहीं भी आग लगती है, तो हम इस सिस्टम का यूज़ करके इजीली फायर फाइटिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इन लोग के पास वाटर स्टोरेज तो बहुत सारा होता है। वाटर स्टोरेज करने से क्या होता है, हमें जब वो वाटर यूज़ करना है उसके लिए प्रेशर भी तो होना चाहिए ना, प्रेशराइज्ड वाटर, तो इसलिए हम पंप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पंप का आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हम पंप क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इसका मेन रोल इसमें बोला गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पंप्स की क्लासिफिकेशन की। तो लिक्विड वेलोसिटी टू क्रिएट प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए क्रिएट प्रेशर करने के लिए। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रोटरी पंप। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे पंप होते हैं, जैसे कि फोर्स पंप, लिफ्टिंग पंप, बकेट एंड प्लगर पंप, ठीक है, रोटरी एंड सेमी रोटरी पंप। पर हम अभी किसकी बात करेंगे, ये तीन ही पंप हम मेन लेंगे अपने, ठीक है, जो कि मेनली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो रोटरी पंप क्या करता है, पहले हम एक एक करके पंप्स की बात कर लेते हैं। तो रोटरी पंप जो रहता है उसमें क्या रहता है, एक सिलेंड्रिकल चैम्बर रहता है जिसके अराउंड एक पिस्टन मूव करता है और इस तरीके से प्रेशर जनरेट करने के काम में आता है। ठीक है, तो डिलीवरी हॉज इसमें आप कनेक्ट करते हैं, जब भी जैसे कि सक्शन हॉज अगर कनेक्ट कर रहे हैं, डिलीवरी हॉज आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये प्रेशर जनरेट करके अच्छे से देता है और आपको प्रेशर, लेस प्रेशर आपको ऐसे शो नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पंप है, तीनों पंप की वर्किंग थोड़ी डिफरेंट रहती है, काम एक ही है कि इनका प्रेशर जनरेट करके देना। ठीक है, अब अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूँ तो मेनली यूज़ किया जाता है फायर फाइटिंग के लिए। ठीक है, इसकी ऑपरेटिंग जो है वो इंपेलर रहती है और रिसीवर्स की रिसीविंग सप्लाई जो रहती है वो सेंट्रल डिस्चार्ज से रहती है। ठीक है, तो ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो डिस्चार्जिंग रहती है और एंटरिंग रहती है वो
बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहती है और आप फायर फाइटिंग में इसे ईजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यही वाला पंप जो है फायर फाइटिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन पंप के बारे में हमने बात की है। वैसे अगर हम काउंट करें तो काफ़ी सारे पंप्स होते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे कि पंप्स, डायनेमिक पंप्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल, प्रोपेलर और टर्बाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ऐसे रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी पंप चले गए हैं, तीन ही टाइप के। ठीक है, तो उसमें पिस्टन रहता है और डायफ्राम रहता है। ठीक है, और जैसे रोटरी पंप है उसमें क्या है, गियर, लोब, स्क्रू, वैन, ऐसे रोटरी प्लगर, इन तरीके के रहते हैं। देखिए सबकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी, वर्किंग प्रोसेसिंग जो है उनकी, वर्क प्रोसीजर वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वरना चीज़ें वही सिमिलर रहती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम मेनली कौन से पंप को यूज़ करते हैं अपने फायर फाइटिंग में, वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बाकी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, उसके बाद जो तीन दो पंप और बता रखे हैं वो भी यूज़ में लिए जाते हैं, पर सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो मेनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा पंप के बारे में आज बताया, क्योंकि पंप जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि जब भी फायर फाइटिंग हमें करना होता है तो हमें पंप्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हमें प्रेशर चाहिए होता है। क्योंकि जब भी हम फायर फाइटिंग करेंगे, वाटर से हमें एक्सटिंग्यूशिंग करना है तो हमें प्रेशराइज्ड वाटर ही चाहिए होगा, क्योंकि विदाउट प्रेशराइज्ड वाटर से अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम आग नहीं बुझा सकते हैं ना, तो इसीलिए ये पंप्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आज आपको पंप्स के बारे में बताया, क्योंकि देखिए क्या होता है, पंप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी था, क्योंकि बाकी चीज़ें जैसे इम्पॉर्टेंट हैं फायर फाइटिंग के लिए, आपका प्रॉक्सिमिटी सूट के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सूट के साथ साथ और भी सारे इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बता चुके हैं, पर पंप्स के बारे में अभी तक नहीं बताया गया था, इसलिए मैंने आपको पंप के बारे में बताया। ठीक है, तो प्रेशर जनरेट कैसे होगा इसमें, ये पंप के थ्रू ये प्रेशर जनरेट किया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू।